बीजेपी के साथ 4.5 साल तक साझेदार रही जेजेपी में जिस तरीके का हड़कंप मचा है और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से पूरे प्रदेश में उनके उम्मीदवारों का उनके नेताओं का विरोध हो रहा है, ये स्पष्ट दिखाता है कि पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी और उनके किसी भी सहयोगी के खिलाफ है। हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वजह से, उनसे और उनका साथ देने वाले हर व्यक्ति से इस वक्त लगभग नफरत करने लगे हैं। लेकिन चुनाव में इसको परिणामों में तब्दील होने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत जरूरी है और एक निष्पक्ष चुनाव के लिए एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का होना बहुत जरूरी है। हमें बहुत खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चुनाव आयोग फिलहाल मौजूदा स्थिति में लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करा पाने में विफल है। चुनाव आयोग सभी पार्टियों को बराबरी का मौका जो मिलना चाहिए, जो सिद्धांत है एक निष्पक्ष चुनाव का, वो मौका उपलब्ध करा पाने में नाकाम है। मैं अपनी इस बात को तथ्यों के साथ आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सब लोग जानते हैं हाल ही में कैथल में जो घटना हुई, आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यक्रमों की परमिशन के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आवेदन किया और उसके बदले में भद्दी भद्दी गालियां लिख के, परमिशन तो रिजेक्ट की ही गई, साथ में भद्दी गालियां भी लिख करके जवाब दिया गया। इस मामले में चुनाव आयोग शुरू से ही लीपापोती की कार्रवाई कर रहा है। सबसे पहले चुनाव आयोग ने 5 निचले कर्मचारियों को सस्पेंड करके मामले को रफा दफा करना चाहा, लेकिन जब मामला पूरे देश में चर्चा में आ गया, अपनी तरह का ये इतिहास में पहला मामला था जब चुनाव आयोग की तरफ से किसी पार्टी को इस तरीके का जवाब दिया गया हो, तो फिर इस मामले में आगे कार्रवाई की गई। लेकिन जो पहले लीपापोती हुई उसको देखिए किस तरीके से कवर अप करने की कोशिश हुई। 5 कर्मचारी जिनको ये कहा गया कि हमने सस्पेंड कर दिया तुरंत प्रभाव से, वो कर्मचारी तो अनुबंधित कर्मचारी थे, HKRN के तहत उनको सरकार के काम में लगाया गया था, तो जो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट पे कर्मचारी है, अनुबंधित कर्मचारी है, उसको कौन से नियमों के तहत सस्पेंड किया गया था, ये चुनाव आयोग के अधिकारी अगर स्पष्ट कर सकें तो जनता को भी समझने में आसानी होगी कि कैसे लीपापोती की कार्रवाई की गई। उसके बाद खाना पूर्ति करने के लिए जब पूरे देश में चर्चा होने लगी तो कहा गया कि उपचुनाव अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। मैं ये पूछना चाहता हूं चुनाव आयोग से कि किसी एक जुर्म में अगर उपचुनाव अधिकारी को सस्पेंड किया गया है तो चुनाव अधिकारी कैसे सुरक्षित हैं? चुनाव अधिकारी अपनी जगह पर ना वो निलंबित होते हैं, ना उनका ट्रांसफर होता है, वो अपनी जगह पर आज भी उसी तरह से काम कर रहे हैं, जबकि उनके कार्यालय में उनके अधीन इस तरह का पहला मामला देश के अंदर हुआ कि किसी पार्टी को गाली लिख करके उनकी परमिशन को रिजेक्ट किया गया हो। इसमें सवाल ये भी आता है कि ये चुनाव अधिकारी आखिर किसकी शह पर, किसकी शह हासिल है इनको कि कोई इनको हाथ नहीं लगा सकता है? कैथल के चुनाव अधिकारी को, ये वही चुनाव अधिकारी हैं जो चुनाव आचार संहिता लागू होते हुए भी चुनाव आचार संहिता के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायक के इशारे पर प्रशासनिक कार्रवाई को करते और रोकते हैं। इसके ढेरों उदाहरण पिछले दिनों में अखबार में छपते रहे हैं कि चुनाव अधिकारी ने, कोई कार्रवाई चल रही थी प्रशासनिक वहां पर मार्केट में, और विधायक जी चुनाव अधिकारी के पास जाते हैं और चुनाव अधिकारी उसको रोक देते हैं और एक चुनावी फायदा, पॉलिटिकल फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाया जाता है। यह स्पष्ट तौर पर इशारा करता है कि चुनाव अधिकारी को संरक्षण मिल रहा है। आज के दिन सत्ता में जो पार्टी है उससे संरक्षण मिल रहा है, लेकिन हमें हैरानी इस बात की है कि चुनाव आचार संहिता लागू होते हुए भी चुनाव आयोग पूरी तरह से, चुनाव आयोग के कंट्रोल में सब कुछ होते हुए भी ये चुनाव अधिकारी अब तक ट्रांसफर क्यों नहीं हुए या निलंबित क्यों नहीं हुए? क्या फर्क है कि उपचुनाव अधिकारी इसी मामले में सस्पेंड हो जाते हैं और चुनाव अधिकारी को इस मामले में ट्रांसफर तक नहीं किया जाता है?
हमारा सवाल सिर्फ ये है कि ऐसे चुनाव अधिकारी के होते हुए निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। ये कैथल के लोग भी आज के दिन में सोच रहे हैं, पूरे हरियाणा की जनता भी इस प्रकरण को बहुत नज़दीकी से देख रही है। हमने उम्मीद ये की थी, इसलिए हमने इंतज़ार किया 2-3 दिन। हमने उम्मीद ये की थी कि शायद अभी चुनाव आयोग आगे कुछ कार्रवाई करेगा और इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही अगर आप देखेंगे, जो मैंने अभी प्रकरण आपको बताया कि इनके चुनाव अधिकारी के चर्चे जो हैं वो पूरे कैथल के अंदर मशहूर हैं, अखबारों में लगातार छपते रहे हैं कि किस तरीके से पॉपुलिस्ट मेजर जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है कि हमने जाके रुकवा दिया किसी प्रशासनिक कार्रवाई को, उसमें ये चुनाव अधिकारी सहयोग करते रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो FIR इस मामले में दर्ज कराई गई चुनाव आयोग की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से बहुत ही कवर अप करने वाली, बहुत ही सतही FIR इस पूरे मामले में दर्ज कराई गई। सिर्फ IT एक्ट के तहत बेलेबल ऑफेंसेज में 66 और 66C में ये FIR दर्ज कराई गई, मानो ये कोई सामान्य सी घटना है जिसको चुनाव उपचुनाव अधिकारी ने चुनाव आयोग की वेबसाइट का हैक होना बताया, जिस वेबसाइट के ऊपर चुनाव के नतीजे आते हैं पूरे देश के, उस वेबसाइट का हैक होना चुनाव आयोग के लिए इतनी सामान्य सी घटना थी कि IPC की एक भी धारा को इन 5 कर्मचारियों के खिलाफ जो FIR कराई गई इस घटना के लिए, उसमें IPC की एक भी धारा को जोड़ा नहीं गया। मैं आपके सामने 2-3 धाराएं रखना चाहता हूं और आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये धाराएं जुड़नी चाहिए थी इस FIR में या नहीं। IPC की धारा 166 और 167 ये कहती है, जब कोई सरकारी अधिकारी कोई गलत रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट बनाता है तो ये धारा उस पर लगती है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, उनके आधिकारिक पोर्टल पर किसी ने सिर्फ गलत डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, उसके अंदर भद्दी गालियां लिख के भेजी और उसके बावजूद भी ये धारा नहीं लगाई गई, क्या कारण था कि चुनाव आयोग इतनी सतही FIR ऐसे मामले पर करवा रहा है? क्या इसको एक निष्पक्ष कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से माना जा सकता है? 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इस बात की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की शह पर चुनाव आयोग के अंदर बैठे हुए अधिकारियों के इशारे पर जानबूझकर आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई? हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सपोर्टर्स का मनोबल तोड़ने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई? ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एंगल से जांच क्यों नहीं की जा रही? 120B क्यों नहीं लगाई गई इसके अंदर? ये सारे सवाल आज के दिन हरियाणा की जनता के और देश की जनता के मन में है, क्योंकि पूरे देश में यह अपनी तरह का पहला मामला था और लोग इसको बहुत क्लोजली इसको वॉच कर रहे हैं। मैं क्या हश्र होता है चुनाव आयोग अगर सतही FIR कराए, मैं वो आपके सामने दिखाना चाहता हूं। ये 2019 की FIR है, कैथल के अंदर ही 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग मचाया था और उस हुड़दंग में, उस मारपीट में ये पूरी FIR दर्ज की गई थी 60-70 लोगों के खिलाफ। इसमें कोई नाम नहीं डाला था, लेकिन चुनाव आयोग ने, किसने उत्पात किया उनकी पहचान नहीं थी, सिर्फ ये लिखा गया था 60-70 उपद्रवियों ने ये कार्रवाई की। आज तक इस FIR के ऊपर कुछ नहीं हुआ, ये कागज सिर्फ हवा करने के काम आ रहे हैं, कुछ इस FIR पर आज तक नहीं हुआ। 2019 का मामला है, 5 साल हो गए। क्या चुनाव बीत जाने के बाद जमानत तो हो चुकी होगी इन सब लोगों की, क्योंकि ये अवेलेबल धाराएं लगाई गई थी, तो क्या किसी की शह पर जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के जिन एजेंट्स ने बैठ करके चुनाव आयोग के दफ्तर में ये सारा काम किया, उनको स्पष्ट बचा करके निकालने का रास्ता भी दे दिया गया है? क्या चुनाव आयोग किसी दबाव में काम कर रहा है? और क्या इस बात को लेकर चुनाव आयोग संतुष्ट है कि इस पूरे मामले के अंदर कैथल के चुनाव अधिकारी का कोई लेना देना नहीं था? क्या बिना जांच के चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है? इसके साथ ही कल माननीय भगवंत मान जी का कुरुक्षेत्र में रोड शो रखा गया था, उसकी सारी परमिशंस,
उस रोड शो की सारी परमिशंस चुनाव आयोग से ली गई थी, लेकिन उसके बावजूद रोड शो शुरू होने से ठीक पहले डीसी ऑफिस की टीम वहां पर पहुंचती है और यह कहा जाता है कि ये सारे पोस्टर्स और झंडे आपको यहां से उतारने पड़ेंगे। ये किसी साथी ने एक वीडियो वहां से बना करके भेजा जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये रोड शो शुरू होने से कुछ समय पहले का ये वीडियो है। ये कोई आया हुआ है डीसी ऑफिस की, कौन से ऑफिस से, और रोक रहे हैं, सारा बोल रहे उतारने के लिए, जितना लगा हुआ है ना ये सारा उतारने के लिए बोल रहे हैं, मतलब यहाँ से लेके 4 नंबर गेट से 1 नंबर गेट तक, और वो झंडा उतार के भी दे दिए। गाड़ी का नंबर है 407M3038 और ये पूरा फौज के साथ आया है। ये गाड़ी किसकी है जिसका नंबर भी इसमें मेंशन किया गया है, जिसकी तस्वीर भी इस वीडियो के अंदर है? ये गाड़ी किसकी है और किसकी अनुमति से एक मुख्यमंत्री जब रोड शो करने के लिए आ रहे हैं और उसकी सारी परमिशंस चुनाव आयोग से हमने पहले ही हासिल कर ली है, तो किसकी अनुमति से या किसकी शह पर, किसके इशारे पर रोड शो को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके का काम किया गया? हमारी ये शिकायत चुनाव आयोग से है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, यही उनका काम है और यही उम्मीद देश की और हरियाणा की जनता उनसे करती है। ऐसी स्थिति में तत्काल प्रभाव से कैथल के जो चुनाव अधिकारी हैं उनको या तो सस्पेंड किया जाना चाहिए जैसे उपचुनाव अधिकारी को किया गया, या उनको तुरंत प्रभाव से वहां से ट्रांसफर किया जाए। हम बिल्कुल भी इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि इन चुनाव अधिकारी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि एक इतने बड़े घटनाक्रम में ये चुनाव अधिकारी उस वक्त दफ्तर में मौजूद थे, ये चुनाव अधिकारी उस वक्त अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे थे जब इनके चुनाव कार्यालय में इतना बड़ी घटना हुई, और उसके बाद भी ये अपने पद पर कायम है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए एक बाउंसर देते रहते हैं ये कि वो सिक्स लगा सकें उसके ऊपर, उनके इशारे पर प्रशासनिक कार्रवाइयों को करते और रोकते हैं। इस प्रकार का व्यक्ति निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सकता चुनाव के दौरान, इनको तुरंत प्रभाव से उस जगह से हटाया जाना चाहिए और चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करे कि जब हम सारी परमिशन सही समय पर सही तरीके से ले रहे हैं तो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के रोड शो से पहले भी जिस तरीके की घटना हुई वो शर्मनाक है, वो चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़ा करती है। ऐसी घटनाएं भविष्य में दोबारा ना हो इसके लिए भी चुनाव आयोग कोई ना कोई तरीका सुनिश्चित करे। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। लगातार बीजेपी से जो लीडर है वो बड़े छोड़ते जा रहे हैं, निशांत सिंह ने पार्टी छोड़ दी, अभी जोगीराम सिहाग ने इस्तीफा दे दिया, लगातार जिस तरीके से 2019 में जिस नेताओं ने ज्वाइन किया था वो लगातार अलविदा कहते जा रहे हैं। मैंने आज से 6 महीने पहले आपको ये कहा था और यहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ करके ये बात कही थी कि चुनाव आने दीजिए, जननायक जनता पार्टी में इतने लोग भी नहीं बचेंगे कि वो टिकट दे सके उनको चुनाव लड़ने के लिए। जेजेपी ने वोटर्स के साथ जो धोखा किया आज वो उसका अंजाम भुगत रहे हैं। आज उनकी विचारधारा के साथ पूरे हरियाणा में कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है। दुष्यंत जी जहां भी पूरे हरियाणा में जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, उनकी माता जी उसके लिए पूरे हरियाणा के किसानों से माफी मांग रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर समय रहते जिन किसानों के वोट से वो जीत करके आए थे, अगर उनका मान सम्मान रखा होता, उनकी बात का समर्थन किया होता, तो आज उनको ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। कमोबेश यही स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन आज उनकी सरकार है, उनके हाथ में मशीनरी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि चुनाव आयोग पर भी चारों तरफ से दबाव है जिसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता पार्टी छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, वो एजेंसियों के और पुलिस के दबाव में अभी हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। जेजेपी जैसे ही सरकार से अलग हुई तो ये जो डर था एजेंसियों का और पुलिस का ये खत्म हो गया और उनके सारे नेता छोड़ करके जाने लगे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव जब नजदीक आएगा तो यही हश्र भारतीय जनता पार्टी का भी होना है। हरियाणा में कोई इनका नाम लेवा नहीं बचेगा जिस तरीके से 10 साल तक इन्होंने शोषण किया है हरियाणा की जनता का, और लोकसभा चुनाव में लोग इनको अपने मतदान के जरिए वोट के जरिए जवाब देंगे। हमने इस घटना के तुरंत बाद चुनाव आयोग को लिखित में
पूरी जानकारी देते हुए इसके ऊपर कार्रवाई की मांग की थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव आयोग इस पूरी घटना की जांच करते हुए निष्पक्ष तरीके से इस पर कार्रवाई करेगा, लेकिन जिस तरीके की लीपापोती की जा रही है, हम राज्य चुनाव आयोग के पास भी इस बात को लेकर के जाएंगे, और अगर वहां पर हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास भी इस बात को लेकर के जाएंगे कि हमें फ्री एंड फेयर जो माहौल मिलना चाहिए चुनाव के लिए, वो माहौल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। हमने जब शुरू में घटना की जानकारी दे करके और उस पर कार्रवाई की मांग की थी, तब कोई स्पेसिफिक मांग नहीं की गई थी, क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि जब इस तरीके का प्रकरण हो रहा है तो इससे संबंधित सभी अधिकारियों को या तो चुनाव आयोग दंडित करेगा या उनको वहां से हटाया जाएगा। हमको ये देख करके बहुत हैरानी हुई कि एक ही कसूर में उपचुनाव अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन चुनाव अधिकारी को न ट्रांसफर किया जा रहा है, ना उन पर कोई आंच आ रही है, उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं। तब हम इस मुद्दे को आपके समक्ष भी लेकर के आए हैं और चुनाव आयोग के समक्ष भी इस स्पेसिफिक मांग को लेकर के जाएंगे। अगर यहां नहीं सुनी जाएगी तो हमने कहा कि हम राष्ट्रीय चुनाव आयोग के पास भी जाएंगे, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड किसी भी चुनाव में होना। अब जनता तो वोट देना चाहती है, खुल के वोट देना चाहती है, लेकिन अगर सारी मशीनरी चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी एक ही तरफ मदद करने लगेगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे मिल पाएगा? तो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए हमें जहां तक जाना पड़ेगा, जहां भी अपील करनी पड़ेगी, हम उसके लिए करेंगे। डीसी कैथल को लेकर मैंने अपनी बात रखी, डीसी कुरुक्षेत्र को लेकर के मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कल घटना हुई वो सही घटना नहीं थी। जब सारी परमिशन हमारे पास थी तो किसी भी टीम का वहां पर रोड शो से पहले पहुंचना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान ले, अगर उनको लगता है इसमें तुरंत कोई कार्रवाई करने की जरूरत है तो कार्रवाई करे, अगर कोई हिदायत देनी है अपने अधिकारियों को तो हिदायत दें। ये निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन ने सिर्फ कुरुक्षेत्र सीट पर अभी तक अपना उम्मीदवार डिक्लेयर किया है, और निश्चित तौर पर जब से हमने उम्मीदवार डिक्लेयर किया है हम एक पॉजिटिव एज पर हैं, हम अपर हैंड लिए हुए हैं वहां पर। लोगों के बीच में जबरदस्त उत्साह है इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को लेकर के, और इसीलिए मैंने पहले भी ये कहा है कि नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाना कोई सुनियोजित प्रकरण नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ऐसी योजना बनाई होती या पहले से इसको सोचा होता तो 3 महीने पहले उनको प्रदेश का अध्यक्ष नहीं बनाते। इसका मतलब ऐसी कोई योजना भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी। जब इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को हमने उम्मीदवार घोषित किया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने सर्वे करा के देखे तो उनको समझ में आया कि नायब सैनी जी बुरी तरह हार रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपनी लोकसभा सीट हार जाते हैं तो मिट्टी पलीत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की पूरे हरियाणा के अंदर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको एस्केप रूट दे करके, सुरक्षित बचा करके मुख्यमंत्री पद पर बिठाया है। इसलिए हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इनसिक्योर्ड है पूरी तरह से कुरुक्षेत्र सीट को लेकर के। उनके उम्मीदवार जिनको वो वॉशिंग मशीन में धो करके कोयले के दाग हटा करके लेकर आए थे नवीन जिंदल जी को, वो तो 1-2 दिन प्रचार पर आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर दिया, और उसके बाद से शायद वो विदेश यात्रा पर हैं जैसी हमको जानकारी मिली है। वो तो फील्ड छोड़ के पहले ही पीछे हट गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक लोगों का दुरुपयोग करके, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके, चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी अधिकारियों को प्रभावित करके इस चुनाव को इंबैलेंस करना चाहती है, क्योंकि चुनावी तौर पर भारतीय जनता पार्टी हार रही है। और ऐसे पहले भी कई प्रकरण आते रहे हैं जब चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करने से डरती है, तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हमारी लीडरशिप को जेल में डाल दिया, कांग्रेस को आईटी के नोटिस भेज दिए, उनके अकाउंट सीज कर दिए, लेफ्ट फ्रंट को नोटिसेस भेज दिए गए, इनकम टैक्स के एजेंसीज सारे विरोधी जितने भी हैं आज के दिन में उनके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। ये सारे प्रकरण ये बताते हैं कि जब भी भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मुकाबले से डरती है तो वो एजेंसीज का, प्रशासन का सहारा लेती है। कुरुक्षेत्र की जनता जीत रही है और कुरुक्षेत्र की जनता में इस बात को लेकर के जबरदस्त उत्साह है कि उनको अपनी आवाज को एक जगह पर लाने के लिए, अपनी जो भावनाएं उनको व्यक्त करने के लिए सही गठबंधन का सही उम्मीदवार मिला है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के रूप में एक ऐसा व्यक्ति वहां पे चुनाव लड़ रहा है जो 900 के 900 गांव में, 900 से ज्यादा गांव है कुरुक्षेत्र लोकसभा में, एक एक गांव में जाके लोगों के सामने हाथ जोड़ के वोट मांग रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी कभी जनता के बीच गई नहीं। पूर्व सांसद
जो पहले सांसद रहे इस सीट से, नायब सैनी जी आज भी हैं वैसे तो, वो कभी जनता के बीच में गए नहीं, और अभी जो उम्मीदवार चुने गए वो भी विदेश भ्रमण कर रहे हैं। इसलिए लोगों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए सही उम्मीदवार कुरुक्षेत्र सीट पर मिल गया है, इसलिए लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोकतंत्र में जनता के पास आखिरी उम्मीद होती है, और जनता की उस उम्मीद को सार्थक करने के लिए चुनाव आयोग का निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में यही अंतर है, हमारी आजादी में सिर्फ एक दिन का अंतर है, लेकिन वहां पे चुनाव आयोग सक्षम चुनाव आयोग नहीं था, और हमारे यहां चुनाव आयोग सक्षम चुनाव आयोग था शुरू से। इसलिए हमारा लोकतंत्र कायम रहा, और पाकिस्तान में लोकतंत्र को बार बार जमींदोज किया गया। इसलिए एक सशक्त चुनाव आयोग का होना बहुत जरूरी है, एक निष्पक्ष चुनाव आयोग का बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में हम उसकी उम्मीद करते हैं, और लोकतंत्र में किसी भी तरीके की कोई भी गलत चीज अगर होती है, चुनाव आयोग भी निष्पक्ष अगर नहीं होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगी, सरकार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगी, हर चीज का जवाब जनता के पास होता है, जनता जवाब देगी। अगर चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं होगा तो उस पलड़े को बैलेंस करने का काम भी जनता करेगी, जनता की अदालत में मामला है।